नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग भूगोल, भूगोल का अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इसमें आज हम जानेंगे पृथ्वी के कटिबंध के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ग्लोब और अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना, महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में जाना। आज हम जानते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। जैसे कि भैया बहनों, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच के जो सभी अक्षांश है, अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर उठ होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो मध्य का क्षेत्र है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, यानी ध्रुवों की तरफ तो सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी वृत्त दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान है वो मध्यम रहता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यानी गर्म भी है और ठंडा भी है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह सूर्य स्थिति से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे कटिबंध हुए पूरे। आपके आगे आता है देशांतर क्या है। तो भाई, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, और इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या उत्तर रेखा कहते हैं, और उनके बीच की जो दूरी को देशांतरीय देशांतर के अंशों में मापा जाता है, और प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, और ये अर्धवृत्त होते हैं। उनके बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है, घटती है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर यमोत्तर आपस में मिलती है। देशांतर यमोत्तर क्या होती है, आपस में मिलती है, यानी कि ये जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये सारी की सारी जो देशांतर यमोत्तर रेखाएं हैं ये खड़ी ये रेखाएं आपस में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यमोत्तर की लंबाई क्या होती है, समान होती है। देशांतर यमोत्तर रेखाओं की तो लंबाई समान होती है, लेकिन अक्षांश की समांतर नहीं होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में ही व्यक्त करना कठिन था। तब सब देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती
शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होगा तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं और प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देश के आगे पूर्व के लिए अक्सर पू लिखा जाता है और पश्चिम के लिए प लिखा जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी एक ही यमोत्तर रेखा स्थित है, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके विपरीत जो रेखा है वो 180 डिग्री है, यानी ये पूर्व और पश्चिम में 2 हम व्यक्त करते हैं लेकिन रेखा एक ही है। और अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखा एवं देशांतर यमोत्तर के बीच जो बनी ग्रिड को देखेंगे, यानी कि जो ग्रिड, ग्रिड किसको कहते हैं भैया बहनों, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये जो रेखाएं हैं ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये आपके देशांतर रेखाएं। तो ये जो जाल टाइप बना है ना, ये जाल जो जाल बना है ना, ये जाल है ना, तो ये जाल, इस जाल को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। कारण है भाई, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और अब हम इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाएंगे, एक दूसरे को काटते हैं, वहीं पर ये धुबरी की स्थिति होगी, यानी सही स्थिति वहीं पर होगी। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद सभी भैया बहनों को।